का अपना बिजनेस है और इंशाल्लाह ताला मैं इनसे पेमेंट लूंगा तब मैं इनके बिजनेस की प्रमोशन करूंगा, वो अभी नहीं करूंगा। जब ये मुझे पेमेंट देंगे तब ये प्रमोशन होगी, उसके बगैर प्रमोशन नहीं होगी। लाइटिंग लाइटिंग नहीं, ये सालन के साथ जब खा चुका था मैं घर में इसी तरह करता चाय का कप बनवा के दो रोटियां उसके बाद इस क्वालिटी में शामिल है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शफीक खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एवरेज वेंचर। सुबह सुबह का टाइम है, नमाज मैंने अभी पढ़ ली है, नाश्ता करते हैं, नाश्ता करके मैं अभी सो जाऊंगा क्योंकि सारी रात मैं जागता रहा हूं और वीडियो एडिटिंग मैं करता रहा हूं और फिर उठेंगे और उसके बाद आपके लिए वीडियो व्लॉग बनाएंगे और आपको इंतहाई मज़ेदार वीडियो आज बना कर देंगे। नाश्ता तैयार है, चाय और साथ में हलवा, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। ट्राई करते हैं इसको और आपको बताते हैं कि कैसा बना हुआ है। व्यूअर्स, आप ऐसे किसी ने खाना है तो मोस्ट वेलकम, आए हमारे साथ खाएं। वाह, एक जूसी सा फ्लेवर होता है वो, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। मुख्तलिफ इसमें मेवाजात डाले गए हैं और बहुत जबरदस्त टेस्ट है। और चाय माशाल्लाह मेरी फेवरेट, बहुत ही जबरदस्त बनी हुई है। और माशाल्लाह अभी नाश्ता करके मैं सो जाऊंगा क्योंकि मैं काफी थका हुआ हूँ। इंशाल्लाह फिर जैसे ही उठेंगे तो बाहर चल के ब्लॉग बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको साथ लेकर चलेंगे, कब शक लगाएंगे। इस वक्त दिन का टाइम है लेकिन मैं थोड़ा सा लेट उठा था क्योंकि नमाज पढ़ के मैं सो गया था, तो उसके बाद अभी उठा हूँ तो इस वक्त नमाज का भी टाइम होने वाला है, नमाज भी पढ़नी है। अभी हम पीते हैं बादाम शेक, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा है, आपको पी कर चेक करके बताता हूँ कि कैसा बना हुआ है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है, बहुत ही लजीज है, बहुत ज़बरदस्त है, एक्सीलेंट। साथ में मिसेस के बनाए हुए गजरेला, ज़बरदस्त। अगर आप में से किसी ने खाना है तो मोस्ट वेलकम। ये बोर जो है ना तकरीबन बोर हो चुका है, इस वक्त 226 फुट के करीब बोर हो चुका है, थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है लेकिन इसको मज़ीद आगे लेकर जाएंगे कि भाई ताकि अच्छा पानी निकल के आ जाए। और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला यहाँ पे मेहरबानी करे और पानी अच्छा आए और इतना पानी आए कि दोबारा ख़त्म ना हो। ऐसे हो जाता है कभी कभार, ऐसे होता है कि पानी तो निकल आता है लेकिन कुछ अरसे के बाद वो पानी ख़त्म हो जाता है, तो उसको टैकल करने के लिए बोर को थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहिए। चलो बहुत जल्द यहाँ पे मकान वगैरह शुरू हो जाएंगे, काफ़ी सारी ये ईंटें आ गई, अभी और भी आ रही हैं। और ये जो प्लाट है ये तकरीबन दो कनाल से ऊपर का प्लाट है, इसकी जो फ्रंट है वो 70 फुट जो चौड़ाई जैसे कहते हैं लेंथ है और बैक साइड से 104 फुट है। इंशाल्लाह ताला जब यहाँ पे इसकी बुनियादें रखी जाएंगी और जैसे जैसे काम होता जाएगा मैं आपको साथ साथ दिखाता जाऊँगा कि कौन सा काम हो रहा है। मैं आया था यहाँ पर चेक करने के लिए कि भाई कितना बोर हो चुका है, पानी निकला है या नहीं निकला, तो जैसे ही पानी निकलेगा इंशाल्लाह ताला मैं आपको वो भी चेक कराऊँगा और बताएँगे कि कैसा पानी निकला है। और दुआ कीजिएगा कि अच्छा पानी निकले। ईंटें आ चुकी हैं तकरीबन मेरे ख्याल में 14,000 के करीब ईंटें आई, अभी और भी आएंगी और इनसे काम इंशाल्लाह ताला जैसे ही पानी निकलेगा उसके साथ ही शुरू हो जाएगा। असमान भाई ठीक है, खैरियत से अभी ये लगा रहे हैं। उस वक्त दानियाल होटल हसनैन भाई के पास पहुंच चुका हूं, काफ़ी लेट हो गया हूं और तकरीबन 2 घंटे हम लेट हो गए। इन्होंने कहा था कि सही करके धूप इंजॉय करेंगे लेकिन हम धूप तो उस तरीके से इंजॉय अभी नहीं कर पाएंगे। सूरज अभी अगर आप देखें मेरे बैक साइड पर थोड़ा सा नीचे हो गया तो उसका असर का टाइम है, अच्छी धूप नहीं इंजॉय कर सकते। लेकिन अभी आ गए इनके पास गपशप करने के लिए, आप बोलते हैं मिसेज के साथ था तो बाजार में जब औरतें घुस जाएं तो उसके बाद टाइम नहीं मिलता है, तो सब गपशप करते हैं। जी विवेस, इस वक्त हम लोग जा रहे हैं, नमाज का टाइम हो गया, नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। कुछ काम रह गए थे बाज़ार में, वो बाज़ार में काम करते हैं, काफ़ी अच्छी गपशप हुई है, आपको सुनवा नहीं सके। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला जब हसनैन भाई के साथ गपशप होगी तो उसमें आपको जो बातें होंगी वो भी बताएंगे, काफ़ी सारी बातें इनसे डिस्कस करनी है, पूछनी है, वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो हमारी नशस्त होगी उसमें इंशाल्लाह ताला आपको उसमें साथ रखेंगे। हम बैठे हुए हैं अक्षत होटल पे और मेरे दोस्त मेरे साथ हैं अदनान भाई और इनके भाई असलान भाई हमारे साथ हैं,
और यहाँ पर खाना खाने के लिए हम आए हैं। इनका अपना बिजनेस है और इंशाल्लाह ताला मैं इनसे पेमेंट लूँगा तब मैं इनके बिजनेस की प्रमोशन करूँगा, वो अभी नहीं करूँगा। जब ये मुझे पेमेंट देंगे तब ये प्रमोशन होगी, उसके बगैर प्रमोशन नहीं होगी। खाना खाने के लिए आए हुए हैं, काफ़ी अरसे के बाद इनसे मुलाकात हुई है। 3 घंटे इन्होंने मुझे बिठा के, बल्कि 3 नहीं 4 होने वाले, चार अफसान भाई जो मेरे हैं ना, ये 4 घंटे हो गए हैं। उसके बाद इन्होंने मुझे अभी खाना खिलाने के लिए कहा है, क्योंकि ये इन पे जुर्माना है। बुलाया इन्होंने चाय के लिए था, लेकिन 3 से 4 घंटे इन्होंने बिठाया। अभी हम खाना खाएंगे और गपशप करेंगे इनके साथ, काफ़ी मज़ा आ रहा है। इंशाल्लाह ताला मज़ीद डिटेल से आपको ब्रीफ करेंगे जैसे ही खाना आता है। खाना खा के आपको गपशप लगाएंगे आपके साथ। हमारा आगे मगज़ हमने मंगवाया और साथ में दाल मंगवाई आने वाली है। इंशाल्लाह ताला खाना खा के आपके साथ गपशप लगाएंगे। हाँ, मुझे इनके बारे में नहीं पता। ये हमारे चाचू के बेटे हैं, माशाल्लाह 3 महीने की इनकी छुट्टी है, 3 महीने बाद ये दोबारा वापस चले जाएंगे। अच्छा माशाल्लाह, ये हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, जो आज हमारे पास आया टाइम। क्या बात, आपको वेलकम करते हैं भाई। जी भी बस चाय हमारी आ गई है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त अच्छे जिसे हम कहते हैं इन्होंने सर्व किए, इन्होंने मट्टी के जैसे बर्तन कहते होते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त है। नान भाई चाय के साथ रोटी खा रहे हैं। क्यों जी डाइटिंग नहीं, ये सालन के साथ जब खा चुका था मैं, घर में भी इसी तरह करते हैं, चाय का कप बनवा के 2 रोटियां उसके बाद क्वालिटी में शामिल है। अदनान भाई आप इस पे क्या कमेंट देना पसंद करेंगे? आपने खाना मुंह के आगे पड़ा है। मैंने खाया नहीं है, मैं डाइटिंग कर रहा हूँ भाई। इस पे व्यूअर्स हमारे कमेंट करेंगे कि भाई डाइटिंग वाली कर रहे हैं कि नहीं। इनका कमेंट आप आइडिया लगाइएगा, फिर हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि भाई इनका कितना वेट है। और सब आइडिया क्या, भाई ने 100 का आइडिया लगाया, भाई का 85 और मेरा आइडिया यही है कि 90 तक होगा। तो हम इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीडियो में इनका करेंगे कि वेट, फिर हम आपको बताएंगे। हम लोग पूरी एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, ठीक है, घर से निकल के एक ऑफिस तक, बाकी सारी डिटेल आपको वीडियो लगाएंगे इंशाल्लाह। ऐसा ना हो कि महीने लग जाए, नहीं वीडियो पहुँचते इनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। अदनान भाई पे इंशाल्लाह बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, ये शुगर के साथ इनकी वाली वीडियो बनाएंगे जिसमें ये कॉल करके लोगों को कहते हैं बस 5 मिनट आपके पास बंदा पहुंच रहा है, और उसके बाद उसकी 5 मिनट नहीं खत्म होते कभी भी। अदनान भाई बहुत अच्छे हैं जी माशाल्लाह, लेकिन चले इनके साथ शुगर मेला लगे रहते हैं। नाराज किसी को नाराज, ये क्वालिटी है, ये जो 5 मिनट का टाइम देते हैं ये अगले बंदे को राजी करने की कोशिश कर रहे हैं और उनका काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बस ये है कि टाइम पे कर नहीं पाते, ये इनका फॉल्ट नहीं है, बेचारे अकेले बंदे क्या क्या करें, क्या क्या करें, बस ये इनका थोड़ा सा मसला है। इंशाल्लाह ताला मुकम्मल डिटेल में जब वीडियो बनाएंगे, ये मुझे थोड़े से पैसे देंगे ना, जब इनकी उस वक्त प्रमोशन करेंगे ना, फिर उस पे फिर आपको दिखाएंगे ये क्या करते हैं। अदनान भाई आज बिल दे रहे हैं और देखते हैं कि बड़ा हार्ट अटैक तो नहीं हुआ। आप आए बड़े टाइम बाद मिले, खुशी हुई और दुआ है अल्लाह आपको कामयाब करे और मजीद तरक्की दे, ठीक है, और बस आते रहा करें इंशाल्लाह। आज फ़ोन करके बुलाना पड़ा है तो फ़ोन ना करना जी इंशाल्लाह। अदनान भाई जा रहे हैं और अरसलान भाई, और मैं लेकर जाता हूँ। ओके अरसलान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह रब्ता करेंगे आप। ओके अल्लाह हाफिज़, भी बस चलते हैं फिर इंशाल्लाह ताला घर जाके आगे ब्लॉग बनाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है, और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमें अपने कमेंट से आगाह करते रहें कमेंट सेक्शन में नीचे कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। फ़ी अमानिल्लाह।